नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ वो क्रांतिकारी योद्धा मौजूद हैं, संदीप वाल्मीकि जी। संदीप जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जय भीम साहब। संदीप जी, सभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आज हम लोग जंतर मंतर पे और यहाँ पे भी काफ़ी तादाद के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में हर एक कोई बताता है, लेकिन संविधान को बचाया कैसे जा सकता है वो बताएं। देखिए, शासन जो है वो प्रशासन को चलाता है और जिसका शासन होता है वो अपने तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है जी। तो संविधान को बचाना है तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी बहुजन समाज के लोगों को जी। और आज बहन जी से ज़्यादा ताकतवर कोई दुनिया में ही बहुजन नहीं है जो इस देश को बचा सकता हो और संविधान को बचा सकता हो जी। और जो संविधान के रास्ते पे चल रहा है और वो पार्टी मूवमेंट चल रही है, सिर्फ इकलौती BSP पार्टी है और बहन जी उसकी सुप्रीमो है। मैं बधाई भी देता हूँ, बहन जी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है कल, है ना, वही बचा सकती हैं। जो नेता बनते हैं, MP बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, वो वोट से बनते हैं। और माननीय साहब श्री कांशीराम जी कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस देश में वोट किसका ज़्यादा है। अगर वोट हमारा ज़्यादा है तो मुखिया भी हमारा होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के कुछ पथभ्रष्ट लोग बेचारे जो नौकरी करते हैं राजनीतिक पार्टियों में, वो समाज को गुमराह करके चुनाव के समय दूसरी पार्टियों में ले जाते हैं। उनसे थोड़ा गुमराह होने की कम गुंजाइश रखे समाज। और अपनी एक ही पार्टी है और एक ही हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, और पार्टी बसपा है, माननीय साहब काशीराम की देन है, महापुरुषों की देन है। आप थे हमारे साथ संदीप वाल्मीकि जी, जो जिन्होंने बताया कि संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान अगर बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब एक नहीं होंगे तो संविधान खतरे में हो सकता है। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।